सोनिक इसी चैनल पर अपने बचपन में मैंने एक ऐसा शो ढूंढा जिसका हर एक एपिसोड देखने के बाद मुझे बस अगले दिन का इंतजार रहता था और वो शो था इडाटेन जंप। आज भी इसका नाम सुनते ही गूज़बम्स आने लगते हैं। इडाटेन बाइक्स, शो यामेटो, ककेरू, मकोटो, मतलब सच कहता हूँ यार, इडाटेन जंप मेरा पहला एक प्रॉपर सीरियलाइज्ड एनिमे था जिसका एक बिगिनिंग, मिडल और एंड था, प्लस जिसे मैंने टीवी पर ही दो बार पूरा देखकर खत्म किया था। मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज। इंडिया में सोनिक ने ऐसे ऐसे इंटरनेशनल शोज को हिंदी में दिखाना शुरू किया था जिसमें कुछ दम होता था और उन्हीं में से एक शो था जैच बेल। टू बी ऑनेस्ट, मैं जैच बेल को टीवी पर नहीं देख पाया क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था कि इस नाम का कोई शो भी है, बट आप सभी के द्वारा जैच बेल के वीडियो रिक्वेस्ट पर मैंने जैच बेल ऑनलाइन देखना शुरू किया और बॉस मुझे लत लग गई, सच्ची बहुत तगड़ी वाली, इतनी कि मेरे बिजी स्केड्यूल के बावजूद मैंने इसे एक महीने में ही पूरी खत्म कर दी। और यदि आपने ये शो नहीं देखा तो एक बार ट्राई तो करो बॉस। फिकर नॉट, देखने का जुगाड़ हम इसी वीडियो में दे देंगे। प्लस इस वीडियो में आप जैच बेल की शुरू से लेकर एंड तक की कहानी तो जानने ही वाले हो कि इसे किसने बनाया, कब बनाया एंड एब्सोल्युटली इसके लास्ट एपिसोड में आखिर क्या हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। कोंजी किनो गश बेरू, इंग्लिश में बोले तो जैच बेल, एक मांगा टर्न्ड एनिमे सीरीज है जिसे ये माकोटो राइकू ने क्रिएट किया है। जैच बेल की कहानी आधुनिक समय के अर्थ पर घटित होती है। शो के अंदर मॉडर्न अर्थ के पैरेलल में एक ममोडो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहां से हर हजार सालों में 100 ममोडो को अर्थ पर भेजा जाता है। ममोडो का लिटरल मीनिंग डीमन या मॉन्स्टर होता है, मतलब ममोडो कुछ मिस्टिकल क्रिएचर्स होते हैं जिनमें सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं एंड इन्हें अर्थ पर एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए भेजा जाता है और एक दूसरे से फाइट करने के बाद 100 ममोडो में से जो लास्ट में बचा हुआ एक ममोडो रहता है ना, उसे ममोडो वर्ल्ड का नया किंग बनाया जाता है। जैच उन 100 ममोडोस में से एक ममोडो होता है जो इस ममोडो बैटल में जीतकर एक काइंड किंग बनना चाहता है। हाँ, काइंड किंग, ताकि वो हर हजार साल में होने वाले इस ममोडो बैटल के प्रथा को बंद कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें से कुछ ममोडो को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। काहे कि यही एक तरीका है जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं एंड जैच इसी चीज को रोकना चाहता है एक काइंड किंग बनकर, जिसके लिए उसे बाकी 99 ममोडो को हराना जरूरी है। अर्थ पर आने के बाद हर एक ममोडो के पास एक स्पेल बुक होती है जिसमें उनके पावर्स स्पेल के रूप में सील कर दिए जाते हैं एंड इन स्पेल्स को पार्टिकुलर ममोडो का ह्यूमन पार्टनर ही पढ़ सकता है, जिस पार्टनर को वो स्पेल बुक खुद अपने ओनर के तौर पर चुनता है। अपने इमोशंस को एनर्जी सोर्स बनाते हुए जब भी किसी ममोडो का ह्यूमन पार्टनर बुक के स्पेल्स पढ़ता है तब वो ममोडो अपने अंदर से कुछ पावर्स रिलीज करता है जिसकी हेल्प से वो दूसरे ममोडो से फाइट कर पाता है। एज यू नो कि जैच का ह्यूमन पार्टनर कियो नाम का एक स्कूल स्टूडेंट होता है एंड यही दोनों तो इस शो के मेन कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों मिलकर जितनी लेजेंडरी फाइट्स लड़ते हैं उतनी ही लेजेंडरी तरीके से हमें हंसाते भी हैं। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि ये पूरा शो ही एडवेंचर के साथ साथ मेनली फनी जॉनरा पर बेस्ड है। चाहे वो जैच, कियो, सूजी, फलगोरे, ये घोड़े जैसा डॉग और ये बत्तखी क्यों ना हो, सबने मिलकर हमें हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको ये शो पोकेमोन की तरह लग सकता है बट ना, ये शो पोकेमोन से एक चीज में सबसे आगे है जो कि है एक एंड का होना। पोकेमोन शुरू तो हो गया है बट उसकी एंडिंग आज तक नहीं बनी और आई थिंक बनेगी भी नहीं, काहे कि पोकेमोन फ्रेंचाइज को भी बहुत सारा पैसा जो छापना है। बट जैच बेल की स्टार्टिंग से ही एक एंडिंग सेट थी कि 100 ममोडो का टूर्नामेंट होगा, एक बचेगा जो किंग बनेगा और कहानी समाप्त। एंड मुझे पर्सनली किसी भी शो की एक एंडिंग पसंद है, ना कि एंडलेस एपिसोड्स। वेल, सबकी अपनी चॉइस है तो हो सकता है कि आपकी कुछ अलग हो। फिलहाल चलो जैच बेल को किसने और कैसे बनाया अब उसकी कहानी भी जान लेते हैं। जैच बेल द बैक स्टोरी। This is the world and this is the Asia। और एशिया में है 3000 प्लस आइलैंड्स के समूह से बना एक देश यानी जापान, the land of rising sun। जापान के चार मेन आइलैंड्स हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशू। इस कंट्री को चार आइलैंड्स की जगह 8 रीजन्स में भी डिवाइड किया जा सकता है जो कि हैं होकाइडो, तोहोकु, कांतो, शुबू, किंकी या फिर कांसाई, शुगोकू,
शिकोकू एंड क्यूशू या फिर ओकिनावा। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, पोकेमोन यूनिवर्स के 7 रीजन्स में से 5 रीजन्स एक्चुअली जापान में सिचुएटेड हैं, जो कि हैं कांतो रीजन, जोटो रीजन, होएन, सिनो एंड सेवाई आइलैंड्स। वेल, ये चारों आइलैंड्स टोटल 47 प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड हैं, ठीक वैसे जैसे अपना भारत 28 राज्यों में। एंड इन 47 प्रीफेक्चर्स में से जीफू प्रीफेक्चर में जन्म हुआ था जैच बेल के क्रिएटर माकोटो कवाडा का, जिन्हें उनके पेन ने माकोटो राइकू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। माकोटो राइकू ने अपना करियर मांगा आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ मांगा आर्टिस्ट के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया और बाद में खुद के बनाए स्टोरीज को मांगा के रूप में शोगाकुकन के वीकली शोनेन संडे मैगजीन में पब्लिश करने लगे। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ वन शॉट मांगास ही क्रिएट किए थे, बट 1999 तक उन्होंने अपनी पहली मांगा सीरीज न्यू टाउन हीरोज को क्रिएट कर लिया था, जिसे शोनेन संडे सुपर मैगजीन में पब्लिश किया गया था। एक क्विक फैक्ट सुन लो, शोनेन संडे सुपर एक स्पेशल मैगजीन है जो कि अपकमिंग मांगा आर्टिस्ट को फीचर करती है जिनका काम बहुत अच्छा होता है। सो फाइनली अब आया साल 2001, जब माकोटो राइकू ने मांगा इंडस्ट्री में एक प्रॉपर डेब्यू किया अपने मोस्ट पॉपुलर मांगा जैच बेल के साथ। और अब जैच बेल के क्रिएशन की कहानी सुनो। शोनेन संडे सुपर वाली मांगा सीरीज खत्म करने के बाद माकोटो राइकू अपने कुछ पुराने ड्राफ्ट्स पर नजर दौड़ाने लगे, ताकि उन्हें न्यू मांगा के लिए कुछ आइडियाज मिल जाए। और उन्हीं में से उनका फर्स्ट आइडिया था एक ऐसे वॉरियर का जो एक जायंट स्वॉर्ड से अपने दुश्मनों को हराकर लोगों को बचाने का काम करता है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर लगभग 3 से 4 महीने काम किया, बट बाद में ये आइडिया कचड़ा बन गया, जिसको छोड़कर माकोटो राइकू ने अपने सेकंड आइडिया पर काम करना शुरू किया। उनका सेकंड आइडिया था एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट के बारे में, जिसे एक दिन एक पुराना टॉय मिलता है जिससे एक नाइट यानी शूरवीर निकलता है, एंड इसी नाइट के साथ मिलकर वो स्कूल स्टूडेंट बुरी शक्तियों से लड़ता है। और जैसा कि यहाँ लिखा ही है, ये है सबसे पहले जैच की सूरत और ये अपने कियो की। वेल, अपने इस सेकंड आइडिया को माकोटो राइकू ने जब अपने एजेंट को बताया, तब उस एजेंट ने उन्हें एडवाइस दी कि यूज अ क्यूटर कैरेक्टर टू फाइट, एंड इस एक लाइन की वजह से ही हमारा प्यारा जैच एग्जिस्टेंस में आया। उस एडवाइस के बाद सबसे पहले माकोटो राइकू ने भयानक से डीमन की आंखें क्यूट करके बनाई, एंड उसके बाद पूरा कैरेक्टर ही क्यूट कर दिया। इस नए जैच के कैरेक्टर को भी 6 बार रीमेक किया गया। देखो, ये है पहला जैच जिसकी आंखें तो सेम है, बट ड्रेस एंड हेयर्स बिल्कुल अलग। सेकंड जैच के ड्रेस में कुछ चेंजेस किए गए। थर्ड टाइम इसके हेयर्स वाइल्ड करके ड्रॉ किए गए, जो कि कुछ हद तक बढ़िया था, बट इट्स नॉट आवर जैच। फोर्थ टाइम में देख लो, क्या ही कहना, ये अपना जैच नहीं है। पांचवा ड्रॉइंग तो अपने जैच का ही लगता है, बट ये है नहीं, क्योंकि इसमें जैच के हेयर्स थोड़े ज्यादा लॉन्ग हैं और अपने जैच के हेयर तो थोड़े शॉर्ट हैं। जी हाँ, छठे बारी में बना है ये, यानी अपना जैच। ऐसे ही कियो को उन्होंने पहले क्वाइट सा कैरेक्टर बनाया, फिर वाइल्ड हेयर्स देकर टिपिकल शोनेन प्रोटैगनिस्ट, एंड लास्ट में अपना अभी का कियो जो ना ज्यादा क्वाइट है और ना ज्यादा वाइल्ड। और सुजुमे, ये है उसका पहला कैरेक्टर ड्राफ्ट जिसे एडजस्ट कर करके फाइनल डिजाइन कुछ ऐसा दिया गया। यदि मिला जुला कर कहें तो बहुत मेहनत के बाद 1 महीना लगाक माकोटो राइकू अपन फाइनल जैच बेल बनाए थे जिसके बाद उनके एजेंट ने भी कहा कि ये हुई ना बात। एंड 10 जनवरी 2001 को कोंजिकिनो गाशबेरू, इंग्लिश में बोले तो जैच बेल का पहला चैप्टर एज अ मांगा सीरीज एक जापानीज मैगजीन में पब्लिश किया गया। माकोटो राइकू ने कहा कि उनका इरादा दिल को छू लेने वाली फ्रेंडशिप के बारे में एक पैशनेट स्टोरी क्रिएट करने का था, और उन्होंने मोमोडो, बुक एंड स्पेल कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते हुए अपने इस अवधारणा को पूरे सीरीज में एक सेंट्रल थीम के रूप में इस्तेमाल किया। एंड एनिमे सीरीज को देखकर तो ये मानना पड़ेगा कि माकोटो राइकू दिल को छू लेने वाली फ्रेंडशिप को दिखाने में पूरी तरह से सफल रहे। माकोटो राइकू कहते हैं कि उन्हें स्पेल बुक की इंस्पिरेशन एक वेस्टर्न मैजिकल स्टोरी से मिली थी, जिस स्टोरी का नाम तो उन्होंने कहीं रिवील नहीं किया है। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, जैच के लगभग सारे स्पेल्स लाइटनिंग से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए काहे कि माकोटो राइकू के नाम में राइकू का मीनिंग लाइटनिंग होता है, एंड इनिशियली अपने नाम के मीनिंग के बेस पर ही उन्होंने जैच के सभी पावर्स डिसाइड कर लिए थे। ये है माकोटो राइकू का खुद का घर कम स्टूडियो ज्यादा, जहाँ पर
बैठकर उन्होंने अपने सभी मांगा सीरीज बनाए। राइकू खुद कहते हैं कि उनके ज्यादातर वर्क्स स्टूडियो की जगह रेस्टोरेंट में हुआ करते थे। हाँ, वो अपने मांगा के लिए स्टोरी बोर्डिंग का ज्यादातर काम रेस्टोरेंट में ही बैठकर करते थे। रीजन वो खुद बताते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं एंड आसपास सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनके बिहेवियर को देखकर कुछ इंस्पिरेशन ही मिलती है, और स्टूडियो में तो इंटरनेट एंड गेम्स के कारण और डिस्ट्रैक्शन आता है। राइकू कहते हैं कि ज़ैचबेल के हर एक चैप्टर की स्टोरी बोर्डिंग करने में उन्हें 2 दिन लगते थे, और जब उनका एडिटर स्टोरी बोर्ड को अप्रूव कर देता था तो वो अपने 4 असिस्टेंट्स को बुलाकर पूरा चैप्टर तैयार कर देते थे ताकि वो संडे मैगजीन में पब्लिश के लिए रेडी हो जाए। और जब कभी डेडलाइंस ज्यादा टाइट होते थे तो वो एक 5th असिस्टेंट को भी अपने स्टूडियो में बुला लिया करते थे। वेल, साल 2016 में ये घर खाली करके उन्होंने बेच दिया और बर्गडीन बोर्ड के नाम से अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की एक नए जगह के साथ। ज़ैचबेल के बाद उनकी बनाई मांगा सीरीज एनिमल लैंड भी काफी पॉपुलर हुई, बट इसका कोई एनिमे सीरीज नहीं बनाया गया। काफी नए मांगा सीरीज बनाने के बाद साल 2018 में उन्होंने ज़ैचबेल के पुराने मांगा में बोनस चैप्टर्स ऐड करके उसे कई ई बुक स्टोर्स पर ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। इन बोनस चैप्टर्स का नाम उन्होंने ज़ैच कैफे रखा, और ज़ैचबेल के रिलीज डेट से पूरे 20 साल बाद यानी 2022 में वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यस, 26 फरवरी 2022 को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू माकोटो राइकू ने ज़ैचबेल के सीक्वल मांगा की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि 14 मार्च 2022 को डिजिटली रिलीज कर दिए गए। मजे की बात ये कि इसका फर्स्ट इशू सभी रीडर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है, तो आप भी इसे लीगली ऑनलाइन पढ़ सकते हो। हाँ, यदि जापनीज आती है तभी, क्योंकि किसी भी मांगा को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज करने का काम विज मीडिया कंपनी करती है, जो कि यदि ज़ैचबेल 2 के राइट्स थोड़ी जल्दी खरीदती है तो बढ़िया है, वरना आप जापनीज लैंग्वेज में ही इसे पढ़ सकते हो। और इसके ट्रेलर से तो ये पक्का है कि ज़ैचबेल 2 की स्टोरी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, थोड़ा और डार्कर एंड मैजिक से भरा। एंड इसके एनिमे सीरीज का मुझे सभी ज़ैचबेल फैंस को बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। और एनिमे से याद आया, ज़ैचबेल का मांगा सीरीज ओरिजिनली 2001 से 2007 तक चला और एनिमे सीरीज 2003 से 2006 तक, बट जापान के बाद ज़ैचबेल को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में रिलीज किया गया। तो चलो ना, जानते हैं कि इंडिया में ये शो कब और कैसे आया। ज़ैचबेल इन इंडिया। विज मीडिया एक अमेरिकन मांगा पब्लिशर, एनिमे डिस्ट्रीब्यूटर एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है। साल 2005 में विज मीडिया ने कुंजीकिनो गशबेरू को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज करने का लाइसेंस परचेज कर लिया, जिसे उन्होंने ज़ैचबेल के नाम से इंग्लिश में पब्लिश करना शुरू किया। वैसे ज़ैचबेल मांगा के हैं तो टोटल 33 वॉल्यूम्स, बट विज मीडिया ने इसके 25 वॉल्यूम्स ही रिलीज किए, और साल 2009 में ही इसके आगे के वॉल्यूम्स को ट्रांसलेट किए बिना ही इसे कैंसिल कर दिया, जिसके बाद आगे के चैप्टर्स फैन मेड इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंटरनेट पर लीक हो ही गई। टोई एनिमेशन ने ज़ैचबेल को एनिमेट करने का काम किया था, एंड इफ यू डोंट नो देन ये वही एनिमेशन कंपनी है जिसने सैली द विच, डॉक्टर स्लम, ड्रैगन बॉल जी, सेलर मून, यूजीओ, वन पीस, डिजीमोन जैसे कई एनिमे क्रिएट किया है। वेल, साल 2005 में ही विज मीडिया ने टोई एनिमेशन से ज़ैचबेल के एनिमे सीरीज को भी इसके इंग्लिश रिलीज के लिए लाइसेंस परचेज कर लिए थे। साल 2013 से 2015 के बीच सोनिक चैनल ने ज़ैचबेल को हिंदी डब के साथ इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया था। वैसे ज़ैचबेल के टोटल हैं तो 150 एपिसोड्स, लेकिन 118 एपिसोड्स के बाद इसे हिंदी में डब नहीं किया गया, एंड बीच में ही सोनिक ने इसे ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दिया। बंद करने का रीजन तो सोनिक चैनल को ही पता है। वेल, कियो को राजेश शुक्ला ने और ज़ैच को पूजा पंजाबी ने अपनी हिंदी वॉइस दी थी। एंड यदि आप इस शो को हिंदी में देखना चाहते हो तो जुगाड़ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखने से पहले याद रखना कि 118 एपिसोड के बाद सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स का ही सहारा है, और जिन्हें ज़ैचबेल की एंडिंग अभी नहीं जाननी, दे कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो थ्रू टाइम स्टैम्प्स, क्योंकि अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं, द लास्ट एपिसोड ऑफ ज़ैचबेल। एपिसोड नंबर 150 में ज़ैच अपने जुड़वा भाई ज़ेनो को बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद 100 में से सिर्फ 2 ममोडो ही अर्थ पर बसते हैं, ज़ैच एंड ब्रैगो। इनमें लास्ट में फाइट होते होते ही ये एपिसोड एंड कर दिया जाता है। मतलब एनिमे में ये नहीं बताया गया है कि ममोडो वर्ल्ड का किंग कौन बनता है, बट मांगा में ये अच्छे से बताया गया है कि ज़ैच एंड ब्रैगो के फाइनल फाइट में ज़ैच जीत जाता है, जिसके बाद दोनों ममोडो वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं, जहां का नया किंग बनता है अपना ज़ैच।
जैच। इस इंसिडेंट के एक महीने बाद कियोमारो को जैच का लेटर मिलता है अलोंग विद एवरीवन एल्स हु वर पार्टनर विद दियर डीमंस। जैच ने अपने लेटर में लिखा कि अब डीमन वर्ल्ड में सभी सुख शांति से रह रहे हैं एंड आई गेव ऑल द सोल्स ऑफ द डीमंस दियर बॉडीज बैक। इसके लास्ट पेज में कियो है जो कि कह रहा है कि जैच हम दोबारा मिलेंगे। वेल, एनिमे सीरीज के अलावा जैच बेल की कुल 2 मूवीज बन चुकी है। ओवरऑल यदि आपने इस एनिमे को नहीं देखा तो अपने खाली टाइम में इस एनिमे को देखना आपके लिए वर्थ इट होगा। यदि आपने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस ये स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट है वो आपके चाइल्डहुड शोज की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से भरी पड़ी है जिसे खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो थोड़ा टाइम निकालो और अपने फेवरेट कार्टून्स की सारी वीडियोस देख डालो। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। टिल देन, दिस इज राजा साइनिंग ऑफ।